हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज आप लोगों के सामने करंट फीलिंग्स का वीडियो लेके आया हूं। जी हां, इसी वक्त हम देखेंगे आपके प्रेजेंट पार्टनर हो सकता है, पास्ट पार्टनर हो सकता है, आपके क्रश हो सकता है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये जो रीडिंग होगा ये जनरल रीडिंग होगा, तो जो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेंगी वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। सेकेंडली, पीकर कार्ड रीडिंग मैं इसीलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मैं जनरलाइज एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता हूँ। तो अगर आप ये वीडियो के लिए पूरा ड्रॉन हो गए हो या फिर आपको कुछ हद तक वीडियो पसंद आया है, थंबनेल पसंद आया है या फिर वीडियो को कॉन्सेप्ट पसंद आया है, तो मतलब आप ही के लिए ये वीडियो बना है। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो को इंट्यूटिवली देखिए। सेकेंडली, कमेंट सेक्शन में अगर कोई स्कैम करने की कोशिश करे तो प्लीज़ इन स्कैमर्स के से दूर रहिए, क्योंकि मैंने कभी भी आपको एडवांस पेमेंट के लिए नहीं बोलूंगा, रीडिंग के लिए नहीं बोलूंगा। मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है वो है टैरोट अनिर्बान। प्लीज़ इस टैरोट अनिर्बान इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कीजिए, रिक्वेस्ट भेजिए और मैं पर्सनल रीडिंग करूंगा। हालांकि इस कुछ दिन मैं ज़्यादा पर्सनल रीडिंग नहीं कर रहा हूँ, बट करूँगा। और प्लीज़ आप लोग मेरे लाइव स्ट्रीमिंग को अटेंड कीजिए। लाइव स्ट्रीमिंग हर रोज़ होगा, मैक्स टू मैक्स ये भी कन्फर्मेशन दे सकते हो, हर ट्यूजडे एंड फ्राइडे हो सकता है, एवरी इवनिंग IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। चलिए देख लेता हूँ आपके पर्सन के करेंट फीलिंग्स क्या है, उनके नेक्स्ट एक्शन क्या है एंड वाइब्स क्या है, और आप लोगों का फ्यूचर कैसा दिख रहा है। फोर ऑफ कप्स, ओके। और क्या देखता हूँ, मून, ओ माई गॉड। उसके बाद है हेरोफेंट, ओके गुड। सो मेरे ख्याल से आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी हद तक बिजी है, बहुत सैड है, क्योंकि देख रहा हूँ कि वो अपने लाइफ में बहुत उलझे हुए हैं। वो पर्सन के लाइफ में क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचे हैं, वो मिस किया है आपको, बट कुछ हद तक उनका पास्ट खराब होने की वजह से वो आपसे क्लियरली बात नहीं कर पा रहे। व्हेन इट कम्स टू कमिटमेंट वो डर रहा है, वो ना कुछ ऐसे वाइब्स लेके आज बैठे हैं जहाँ पे उसको कुछ करने का मन नहीं है, और वो आप ही के बारे में सोची जा रहे हैं, बट वो सिचुएशंस कुछ गलत तरीके से वो सोच रहा है। मान लो आपके साथ उसका अच्छा वक्त जो वो गुजरा था, उस चीज़ को वो याद ही नहीं कर रहे, वो यही सोच रहे कि क्यों आप ये पूरे अच्छे चीज़ को बुरा कहे, या फिर क्यों आप उनके बारे में कुछ काइंड ऑफ नेगेटिव तरीके से पेश आए, क्यों आप हमेशा चीज़ों को नेगेटिव लेते हो। ये आज आपको थोड़ा सा नेगेटिव सोच रहा है, और ये आपको आज थोड़ा सा सेंटिमेंटल एंड सेंसिटिव सोच रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मून का कार्ड, मून का कार्ड मतलब क्या है, मिस्ट्री। मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन छुप छुप के आपको प्यार करता है, आपके पीठ पीछे आप ही के बारे में सोचता रहता है, और दोस्तों के साथ फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहते हैं। बट ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन कभी भी आपके सामने आके आपको प्रपोज नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको डर है रिजेक्शन के लिए। ये एक ऐसे पास्ट पर्सन है जो आपको हाँ भी नहीं बोला, ना भी नहीं बोला, या फिर इसके साथ आपके बात तो होता है दिन में मैक्स टू मैक्स टाइम, बट ये आपको क्लियरली नहीं बोला है कि ये आपको प्यार करता है। ये एक फ्रेंडली वाइब्स देता है, कई कबार मेंटर का वाइब्स देता है, कई कबार एक ऐसे ऊपर ऊपर वाइब्स दिखाता है कि मान लो कि आपको ऐसा लगता है कि आप लोग दोस्त भी नहीं हो। तो मैं देख सकता हूँ ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है, डिस्क्रीट है, ये सबके सामने आपको लेके नहीं आना चाहता है, और फैमिली इशू है इनका। हो सकता है फैमिली इसको अपोज किया है, या फिर ये एक मैरिड पर्सन है, या फिर एक ऐसे पर्सन है जो समाज के सामने आपके बारे में नहीं बोल सकता है खुल के, या फिर ये खुद बहुत शाय है तो ये आपके सामने ओपन अप नहीं हो पा रहा है। तो मैं ये एक चीज़ देख रहा हूँ कि आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ तो है, क्योंकि ये पर्सन आपको प्यार तो करेंगे, बट ये पर्सन को अभी तक ये पता नहीं है कि आप क्या चाहते हो। तो लिटरली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये आपको आपके बारे में और ज़्यादा पता करेंगे, आपको जानेंगे बहुत अच्छे से। हेरोफ्रेंड मतलब ही इज़ अ वेरी वाइज पर्सन, या फिर शी इज़ अ वेरी वाइज पर्सन। तो मैं देख सकता हूँ ये पर्सन जो है ये काफ़ी हद तक वाइज है, ये लोगों को सेल्फ हेल्प करते हैं, और ये काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ सेल्फ मेड है। ये एक टीचर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, लॉयर हो सकता है, ये एक मैनेजमेंट एम्प्लॉई हो सकता है, ये एक साइंटिस्ट हो सकते हैं। बट मैं यहाँ पे जो चीज़ देख रहा हूँ कि ये ऊपर में कुछ एक दिखाता है और अंदर में कुछ और चीज़ रखता है, तो इसके जो बोलता है ये काम नहीं करता है। तो मैं देख सकता हूँ कि ये आपको बहुत ज़्यादा वादा किए थे,
बट वो वादे को ये नहीं निभाए है, ये अचानक आपको गोस्ट करके चले गए हैं और ये आप ही के बारे में अभी सोच रहा है, ये आपको एक बार ऑन एक बार ऑफ करता है, थर्ड पार्टी तो नहीं था बट बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते रहते हैं, ये नए लोगों से बहुत ज़्यादा घुलते मिलते रहते हैं और सोशल मीडिया पर काफ़ी हद तक इसका पॉपुलरिटी है, ये अपने फ्रेंड्स और अपने कम्युनिटी में बहुत पॉपुलर है, हो सकता है ये लोग इसको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि ये बहुत ही आउट एंड आउट हैंडसम पर्सन है, ये फिर बहुत खूबसूरत लेडी है। मैं ये भी देख सकता हूँ कि इन ये अगर आपको ये मतलब लोग अगर इसको देखते हैं तो इसको लोग कहते हैं कि ही और शी सच अ ब्रिलियंट पर्सन, लाइक समाज के सामने ये काफ़ी ब्रिलियंट है बट आपके सामने बहुत ज़िद्दी, ये समाज के सामने काफ़ी हेल्पफुल है बट आपसे बात नहीं करते, ये अपने फैमिली से दोस्तों से सबके साथ बहुत अच्छे से खुल के बात करते हैं, गिफ्ट देते हैं बट आपको कभी भी उन ऐसे तरीके से नहीं बात किए है। मैं देख रहा हूँ ये आपको काफ़ी अलग तरीके से डील करता है, ट्रीट करता है, आपके सामने हेजिटेट करता है, शाई है, ये फूड लवर हो सकता है, ये होमली पर्सन हो सकता है, तो ये बाहर जाना नहीं पसंद करते, शायद आपके साथ काइंड ऑफ होटल पे जाना पसंद करते हैं। मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये आपको कुछ कमिटमेंट देने के लिए सोच रहा है, ये सोच रहा है कि बहुत हो गया नो कॉन्टैक्ट, तो रिकन्सिलिएशंस का बात हो तो ये रिकन्सिलिएशंस करने के लिए रेडी है, बट ये पर्सन ना बहुत ज़िद्दी है, यानी कि अगर आप इसको 100 बार बोलोगे कुछ करने के लिए जब तक ना ये खुद सोचेंगे तो ये नहीं करेंगे, तो आप में से बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर, और वो उस टाइम पर पूरा चुप कर गया, इसको अगर आप ज़्यादा कमिटमेंट के लिए पुश करेंगे तो ये सीधा काइंड ऑफ नो कॉन्टैक्ट पर चले जाते हैं, और आप जब कॉन्टैक्ट करना बंद कर देते हो तो ये धीरे धीरे आपके बारे में पता करते हैं और आपके करीब आते हैं। तो मैं देख सकता हूं ये एक ऐसे पर्सन जिसको सब कुछ पता है बट फिर भी ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि उसको कुछ नहीं पता है, ये ईगोइस्टिक काइंड ऑफ पर्सन है, इसके बहुत ज्यादा ग्रीड है, सेक्सुअल इंटीमेसी के बारे में बहुत ज्यादा ग्रीड है, ये आपको टच करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, कुछ हद तक ये आपको पाना चाहते हैं बट शादी से इनको थोड़ा सा डर है। ये एक ऐसे पर्सन है जो एक पोटेंशियल काइंड ऑफ रिच पर्सन हो सकता है बट इसके अंदर इतना लेथर्जी भरे पड़े हैं, ये काम के बारे में ज़्यादा सीरियसली नहीं सोचेंगे, ये अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं सोचेंगे, ये दूसरे लोगों को बहुत अच्छे सलाह दे सकता है बट खुद के बारे में ये एकदम बिल्कुल नहीं सोचता है, ये दूसरे लोग क्या पसंद करते हैं ना पसंद करते हैं इसको बारे में तो इसको बहुत ज़्यादा पता है बट आप क्या पसंद करते हो ना पसंद करते हो इसके बारे में इसको पता नहीं है या फिर पता नहीं करना चाहते, ये ज़्यादा बात नहीं करते, आप ज़्यादा बात करते उनके सामने तो ये चीज़ को ये इंजॉय करते हैं बट जब आप बात करना बंद देते हो तो इसके लाइफ मिजरेबल हो जाते हैं। मैं देख सकता हूं कि आपको ये पे करवाना चाहता है, यानी कि ऐसा ये फील कराना चाहता है कि आपको ये बख्शीश दे रहे हैं या फिर आपको ये कुछ काइंड ऑफ थोड़ा सा यू नो मंथली एक्सपेंसेस ये पे करना चाहते हैं, ऐसे सिक्योरिटी आपको हमेशा देना चाहते हैं बट आपको ये सब चीज़ मंजूर नहीं है, आप इससे टाइम चाहते हो बट ये बहुत बिजी है तो ये टाइम नहीं दे पाते, तो हो सकता है कि मंथली एक्सपेंसेस के लिए थोड़ा बहुत पैसा आपको दे सकते हैं या फिर काइंड ऑफ आपके एक्सपेंसेस ये खुद बेयर कर सकते हैं या फिर फ़ोन का बिल या फिर मैं देख सकता हूँ कुछ हद तक मैं देख सकता हूँ ये ऐसे काइंड ऑफ पर्सन है जो ये कर सकते हैं बट आपको ये सब चीज़ नहीं पसंद है, आप उससे कमिटमेंट मांग रहे हो और ये कमिटमेंट देने के लिए रेडी तो है बट अभी भी मुंह पे कुछ बोल नहीं रहे, तो चलिए वाइब्स चेक कर लेते हैं, वाइब्स कैसा है। फर्स्ट वाइब्स है एस ऑफ वांड्स का, दोनों ही काफ़ी हद तक सेक्सुअली स्टिमुलेटेड हो, आज आप उसके बारे में सोचे हो, आप भी उनके वो भी आपके बारे में सोचे हो, सकते हैं ये आपको क्विक कॉल किए होंगे या फिर मैसेज किए होंगे या फिर आपके बारे में सोचे होंगे या फिर आप इसका मतलब सपने देखे होंगे या फिर इसका नाम आपको बहुत बार दिख रहा है, यूनिवर्स इसके लिए कुछ सॉन्ग सेंड करे, तो हो सकता है आप म्यूजिक सुन रहे तो अचानक आप मैसेजेस मांगे तो अकॉर्डिंग टू मतलब उनके मैसेज के हिसाब से आपका गाना भी सुनना आपको मिल गया, तो हो सकता है चैनल सॉन्ग्स आप सुन रहे हो बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग भी करा रहे हो क्योंकि मैं देख सकता हूँ डिवाइन गाइडेंस आप लोगों को मिल रहा है न्यू बिगिनिंग के लिए। इसके बाद आता है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, देखो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ आप दोनों के वाइब्स तो काफ़ी हद तक अच्छे हैं और मैं देख सकता हूँ कि फ्यूचरिस्टिक भी है बट कुछ हद तक मैं देख सकता हूँ थर्ड पार्टी को लेकर आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो या फिर फैमिली को लेकर डरे हुए हो या फिर डिवोर्स को बचाना चाहते हो या फिर मैं देख सकता हूँ कि आपके पास्ट या फिर उनके पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा डरे हुए हो। मैं देख सकता हूँ आप में से बहुत सारे लोग एक पर्सन का डिवोर्स के लिए वेट कर रहे हो या फिर एक पर्सन का किसी और पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट के लिए वेट कर रहे हो या फिर आप में से बहुत सारे लोग
आपके डिवोर्स के लिए वेट कर रहे हो तब आप सेकंड मैरिज के लिए जा सकते हो। मैं देख सकता हूँ कि हो सकता है ये रिसेंटली आप इसको मीट किए हो या फिर रिसेंटली इसके बारे में रिश्ता आया है और नए नए कम्युनिकेशन चल रहे हैं, तो दोनों पर्सन दोनों के बारे में जानोगे बहुत ज़्यादा, बट अभी भी दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा शाई फीलिंग है। दोनों बहुत वाइब्स तो अच्छा है बट थोड़ा बहुत नया है, तो हो सकता है ये आपको थोड़ा सा पॉजिटिव लगे, हो सकता है ये थोड़ा सा आपको लगे सेंसिटिव, और ये फिर हो सकता है आपको लगे थोड़ा सा कंट्रोलिंग, बट वाइब्स बहुत अच्छा है, फ्यूचरिस्टिक वाइब्स है, या मैं बहुत सेक्सुअल स्ट्रांग एनर्जी आ रहा है। हो सकता है आप इसके बारे में थोड़ा सा फैंटेसाइज किए हो या फिर आप इसको ड्रीम में देखे हो, आप लोग लव मेकिंग कर रहे हो ऐसे टाइप की ड्रीम्स, या फिर मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन है, बहुत ही हैंडसम पर्सन है, या फिर खूबसूरत लड़की है, तो मतलब आप इसको खोना नहीं चाहते हो। तो मैं यहाँ पे कंस्टेंटली एक नीड देख रहा हूँ कि आप इसको खोना नहीं चाहते हो, वो भी आपको खोना नहीं चाहते, बट बहुत ज़्यादा ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि मान लो कोई परवाह ही नहीं है आपको, प्यार तो करता है बट ऐसे बिहेव करता है कि मान लो कोई परवाह ही नहीं है। उसके बाद आता है टेन ऑफ शोर्ड्स। देखो आज आप लोग बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचे हो सकता है आप दोनों के जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बारे में सोचे हो सकता है फॉर द फर्स्ट टाइम आप लोग दोनों आपस में एक बात करोगे कि और आप झगड़ो झगड़ा नहीं करोगे। मैं देख सकता हूँ ना आज आप लोग एक डिसाइड कर रहे हो अपने पास्ट चैप्टर्स को परमानेंटली क्लोज करने के लिए, हो सकता है ये भी डिसाइड कर रहे हैं कि आज से वो अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचेंगे। सो एक बैड फेज चल रहा था दोनों के लाइफ में, दोनों के इमोशनल लाइफ में, तो ये बैड फेज खत्म हो गया। मेरे ख्याल से ये भी हो सकता है कि वो बहुत डिप्रेस थे और वो डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पा रहे थे, शायद आपके भरोसे में वो धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आ रहे हैं। सेम गोज विथ यू कि आप उनके भरोसे में डिप्रेशन से बाहर आ रहे हो। मैं देख सकता हूं कि बहुत ज्यादा रो रहे हैं वो आपके लिए और आप भी उनके लिए रो रहे हो, बट दोनों का आवाज एक दूसरे के पास नहीं पहुंच रहा है। हो सकता है आप उसको इगोइस्टिक समझ रहे हो, वो भी आपको इगोइस्टिक समझ रहे हैं, बट मैं देख सकता हूं कि एक मतलब एट द एंड ऑफ द डे आप दोनों दोनों को प्यार करते हो और दोनों दोनों को मिलने के लिए तरस रहे हो बट मिल नहीं पा रहे हो, ऐसे सिचुएशंस चल रहा है। तो अभी देखूंगा उनका नेक्स्ट एक्शन क्या क्या होगा, यूनिवर्स की तरफ से क्या आ रहा है नेक्स्ट एक्शन। वाओ, किंग ऑफ कप्स एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं देख सकता हूं कि ये आपकी कुछ बात से हर्ट है, हर्ट हुए हैं, हो सकता है आप इसको ना मैसेज करना बंद कर दिए थे और ये आपको चेज कर रहे हैं। मैं देख सकता हूँ ये बहुत सेंटिमेंटल पर्सन है, तो क्या आप झगड़े के टाइम पे क्या कुछ बोल देते हो ये सब चीज याद करके रखते थे। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आपके बीते हुए मैसेजेस को या फिर वो आप जो मैसेजेस सेंड किए हो बीते हुए काइंड ऑफ वक्त को ये याद कर रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं सब चीज़ों को, और ये इसको पता है कि आप ही के साथ ये फ्यूचर में आगे बढ़ेंगे, बट ये थोड़ा वक्त आपको देना चाहते हैं, ये और भी ज़्यादा देखना चाहते हैं। इसको लगता है कि ये बहुत छोटे हो आप या फिर आप बड़े हो, या फिर ये रिलेशनशिप में मैं देख सकता हूँ एज गैप है, ये तो आपको ट्रस्ट तो करते हैं बट कई कबार इसको डर होता है कि क्या क्या पता शायद आप किसी दूसरे पर्सन को चूज कर लोगे उसको छोड़ के। ये आपके बारे में थोड़ा सा पॉजिटिव भी है और थोड़ा सा खुद के पास्ट को भी कोसते हैं, यानी कि इसके पास्ट में रिजेक्शन इसको मिला था तो शायद इसीलिए ये आपके सामने खुल के आ नहीं पा रहे, और जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा पास्ट के बात बोल देते हैं या फिर क्लूलेस होकर बात करते हैं या फिर कुछ ऐसे बात बोल देते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है, और आप फील करते हो कि ये टाइम पास कर रहे हैं। मैं ये भी एक पर्सन देख रहा हूँ जो बहुत मेच्योर तो है बट बच्चों जैसे बिहेव कर लेते हैं, कई कबार ये बहुत ज्यादा हर्ष हो जाते, कई कबार ये बहुत ज्यादा रोमांटिक हो जाते और आप कंफ्यूज हो जाते हो। कई कबार मैं देख रहा हूं कि ये बहुत और वर्कोहोलिक पर्सन है तो काम के टाइम पे शायद ये आपको एंटरटेन नहीं कर रहे और आप ज़्यादा काइंड ऑफ मतलब आप बोर हो गए हो कि क्या होगा इस फ्यूचर में, अगर ये आपको बात ही नहीं करते हैं तो कैसे ये मैनेज करेंगे। तो मैं देख सकता हूँ कि वाइब्स और नेक्स्ट एक्शंस के अनुसार ये आपको एक ऐसे सिक्योरिटी देंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ इसके साथ आप आगे बढ़ सकते हो, ये आपको एक ऐसे कमिटमेंट देंगे जिसके बाद आपको लगेगा कि हाँ आपने फाइनली सही पर्सन को चुने हो। मैं देख सकता हूँ ये आपको मदद करेंगे आपके गोल्स को अचीव करने में, मैं देख सकता हूँ ये आपको एज ए फैमिली ट्रीट करेंगे, मैं देख सकता हूँ कि इनके फैमिली आपको सपोर्ट करेंगे, ये आपके लिए लड़ेंगे। यस, सब कुछ इसके अंदर छुपा है बट ये वेट करें कुछ और दिन कि ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, ये आपको प्रपोज भी करेंगे। मैं एक फ्यूचर देख रहा हूँ और ये अब आपके साथ एक फ्यूचर को बनाने के लिए आ रहे हैं, अभी देखूंगा फ्यूचर क्या लग रहा है, क्या
शादी पॉसिबल है, यस। यहाँ पे देखो सेवन ऑफ पेंटिकल्स, और दरअसल सेवन ऑफ पेंटिकल्स मतलब क्या होता है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स मतलब होता है जब आपकी लव लाइफ माइक्रोवेव पे रहता है ना, तो आप माइक्रोवेव से लव लाइफ को बाहर निकाल सकते हो ना आप माइक्रोवेव को बंद कर सकते हो। तो ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के ओर जा रहे, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के ओर जा रहे। अभी ये चीज को आपको ध्यान में मतलब ध्यान देना है कि यूनिवर्स आप दोनों के रिलेशनशिप को सपोर्ट करे, ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल होंगे, और आपको 100% देना है, ऑनेस्ट रहना है, जल्दबाजी नहीं करना है, इम्पेशंस नहीं बनना है। मैं देख रहा हूं कि आपके डेडिकेशंस, आपके डिटर्मिनेशंस और आपके मैनिफेस्टेशंस ये रिलेशनशिप को एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप पे बदल देंगे। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, एंड मेरे साथ आप बोल सकते हो ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड प्रेयर्स। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, आज आप लोगों की वजह से ही मेरे चैनल ग्रो कर रहे हैं, एंड थैंक यू सो सो मच। आप लोग प्लीज मैनिफेस्ट करते रहिए। ऑल द बेस्ट।